हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू का सूप। इसके लिए मैंने कद्दू को छोटा छोटा काट लिया है, एक छोटा प्याज लिया है, दो चार तूरी मैंने लहसुन की ली है और आधा टमाटर लिया है। कद्दू बहुत ही लो कैलोरी सब्जी होती है, इसको आप वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जो इसका सूप बनाएंगे वो अगर हम डेली डिनर में लें खाने को स्किप करके, इससे हमारा वेट अच्छा खासा रिड्यूस हो सकता है और फाइबर तो इसके अंदर होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। प्रेशर कुकर में बनाएंगे, एक चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसको वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियाँ। बहुत ही टेस्टी सूप बन के तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी। 1-2 मिनट इसको भून लेते हैं। 1-2 मिनट चलाने के बाद इस पे अब हम प्याज डाल देंगे। प्याजों को भी थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। देखिए प्याज भी हमारा सौते हो गया है। टमाटर डाल देते हैं और साथ ही हम ये हमारा कद्दू डाल देंगे। एक दो मिनट चलाने के बाद आधा चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर और एक बड़ा कप हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए उबाला आ गया है। इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और 3-4 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। ये देखिए स्टीम निकल गई है, इसकी गल गए हैं बहुत बढ़िया से। अब हम इसको ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। इसको हमने देखिए ब्लेंड कर लिया है, इसको एक बार छान भी लेते हैं। बहुत बढ़िया सा हमारा पम्पकिन सूप बन गया है। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, अच्छे से एक बॉईल आने देते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें काली मिर्ची डाल लें। सूप का कलर जैसे हमारे कद्दू का कलर होगा उसी हिसाब से हमारे सूप का भी कलर होगा। अच्छे से इसको एक दो बॉयल दे देते हैं। पम्पकिन सूप बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस लो कैलोरी सूप है, वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है। एक मील स्किप करके आप इसको लें और इसमें नमक कम ही डालें क्योंकि जो जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो सॉल्ट ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि सॉल्ट भी वाटर रिटेंशन करता है। बहुत स्वादिष्ट बनता है, एक बार ट्राई करके देखें। देखिए अच्छा सा उबाल आ गया, गैस बंद कर देते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म सूप सर्व कर लेते हैं हम। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया भी एल्कलाइन होता है नेचर में और ये भी बहुत हेल्दी होता है। थोड़े से डालेंगे हम पम्पकिन सीड। बहुत ही बढ़िया सा हमारा कद्दू का सूप बन के तैयार है। एक बार जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।